फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 शुरू होने में अभी काफी समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2020 का ऑक्शन यानी नीलामी अब जल्द शुरू होने वाली है। और इस ऑक्शन से पहले जब सारी 8 आईपीएल टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी थी, इसके बाद सारी 8 आईपीएल टीमें इस ऑक्शन की तैयारियों में यानी प्रिपरेशन में लग गई थी। अब फिलहाल सारी टीमें तैयारियों में है कि कौन सा प्लेयर इस ऑक्शन में टारगेट करना है, कौन सा प्लेयर खरीदना है। वही काफी सारी टीमों ने काफी चौंकाने वाले रिलीज कर दिए थे, काफी सारे बड़े नाम इस ऑक्शन के लिए टीम से बाहर कर दिए थे। और अब जो भी बड़े नाम टीम से बाहर हुए हैं, इसके अलावा काफी सारे नए प्लेयर हैं जो कि पहली बार आईपीएल के ऑक्शन में आ रहे हैं, वो सब आईपीएल ऑक्शन के लिए अपना नाम दे रहे हैं। जब अब आईपीएल ऑक्शन के लगभग 2 से 3 सप्ताह ही बचे हैं, तो सारे प्लेयर ऑक्शन के लिए अपना नाम और बेस प्राइस सेट कर रहे हैं। और इसी वजह से लगभग 30 से 35 प्लेयर तो अपना नाम ऑलरेडी दे चुके और अपनी बेस प्राइस ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि आखिर कौन से बड़े प्लेयर्स ने अपना नाम ऑक्शन के लिए दे दिया है और क्या अपनी बेस प्राइस रखी है। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन, तो नीचे का लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने अपनी 2 करोड़ बेस प्राइस ऑक्शन के लिए सेट करी है। वही इसके बाद क्रिस लिन ने भी अपनी 2 करोड़ इस ऑक्शन के लिए बेस प्राइस सेट करी है। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, इसके साथ ही मिचेल मार्श, इसके साथ ही फैट कमिंस, इन्होंने भी अपनी 2 करोड़ इस ऑक्शन के लिए बेस प्राइस सेट करी है। और जहां तक लगता है ये सारे प्लेयर लगभग इस ऑक्शन में सोल्ड होंगे, क्योंकि सारे प्लेयर क्वालिटी प्लेयर है, लगभग हर टीम इनको खरीदने का प्रयास करेगी। वही इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सोन मार्श, इसके अलावा केन रिचर्डसन, इन्होंने अपनी बेस प्राइस ऑक्शन के लिए 1.5 करोड़ सेट करी है, यानी बाकी प्लेयर से 50 लाख कम इन्होंने इस ऑक्शन के लिए अपनी बेस प्राइस सेट करी है। अब तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन सारे प्लेयर का नाम इस ऑक्शन के लिए आ चुका है। वही इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की तरफ से कप्तान ओयन मॉर्गन, इसके साथ ही जेसन रॉय, इसके साथ ही डेविड विली, इसके साथ ही क्रिस वोक्स, इन सारे प्लेयर्स ने अपनी 1.5 करोड़ रुपए इस ऑक्शन के लिए बेस प्राइस फिलहाल सेट करी है। यानी इंग्लैंड की तरफ से ये सारे प्लेयर ऑक्शन के लिए अपना नाम दे चुके हैं। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से डेली स्टेन ने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ सेट करी है। वहीं इसके अलावा क्रिस मॉरिस, इसके अलावा काइल ओबर्ट, इन्होंने अपनी बेस प्राइस केवल 1.5 करोड़ ही फिलहाल सेट करी है। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से अभी केवल एक ही नाम इस ऑक्शन के लिए सामने आया है जिन्होंने अपना नाम दिया है ऑक्शन में, वो है फिलहाल रॉबिन उथप्पा। और रॉबिन उथप्पा ने अपनी 1.5 करोड़ इस ऑक्शन के लिए बेस प्राइस सेट करी है। यानी फिलहाल अब तक इतने सारे प्लेयर इस ऑक्शन के लिए अपना नाम दे चुके हैं और अब अगली लिस्ट लगभग 7 से 8 दिनों में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, करंटली ये थे ऑक्शन के लिए प्लेयर्स। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे महंगा इस ऑक्शन में बिकता हुआ दिखेगा। वही इसके साथ वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।